देखो ओवरऑल अभी मेरी क्लासेस ज़्यादा होने वाली हैं, है ना, संख्या बढ़ने वाली है क्योंकि IR आपका ख़त्म हो ही गया है और 25-15 तारीख तक लगातार हमारी क्लासेस चलेंगी, तो हम लंबा खेलेंगे, ठीक है। कल से सब लोग एक्टिव होकर आइएगा, जो आपके टॉपिक जितने रिमेनिंग बचे हैं कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कोई भी टॉपिक हम छोड़ के नहीं चलेंगे। अब जैसे आपका इंडियन ज्योग्राफी जो चल रहा था मैं उसे जल्द ख़त्म करूँगा। रही बात यहाँ पर कुछ लोग नए आए हुए हैं, देखिए जो ऑफलाइन से जुड़ना चाहते हो मैं बस यहाँ पर होलिस्टिक बता देता हूँ, क्योंकि अभी होली का त्यौहार है, घर भी जाएंगे, होली में कौन कौन जा रहा है, नहीं जा रहे हैं तो होली वाले बता दे भाई, टिकट विकट करा लिया ना, है ना, क्योंकि होली में डिस्टर्बेंस होगा, तो होली कब है ये क्लियर करके उससे पहले ही हम जो है उसके बाद शुरू करते हैं नए टॉपिक को। नए टॉपिक में हमारी प्लानिंग ये है कि 25 तारीख से शुरू किया है, 25 से 26 से अभी जो पुराने टॉपिक जो चल रहे हैं उनको कंप्लीट कर लिया जाए कम समय में। जैसे विश्व इतिहास है, यदि भूगोल जल्दी ख़त्म हो जाए तो विश्व इतिहास को मैं लगातार करा के पूरा कंप्लीट करा दूँ आप लोगों का, ठीक है। और आप लोग यदि कहेंगे जनमत संग्रह होगा, रेफरेंडम, तानाशाही, बिल्कुल नहीं, जनमत संग्रह यदि रहेगा तो मैं भारत के भूगोल के बाद आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करना चाहूँगा। विश्व भूगोल के यदि चाहो तो रोक सकते हो कुछ समय के लिए, एज यू विश, आपकी मर्जी, बाकी आप जो कहेंगे आपका हुक्म सराखों पर, यह हम चर्चा कर लेंगे। जनमत संग्रह होगा बताया ना, बैलेट पेपर पर डलवाया जाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री तो कम्प्लीट ही होगी, वो तो एक तरफ पैरेलल चल रही है। बात है ज्योग्राफी को रिप्लेस करके, या तो हम ला सकते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी या हम ला सकते हैं इंडियन हिस्ट्री। देखो मेरे जो पांव सूझते हैं इसको पढ़ाने मुझे कितना टाइम लगा, मैंने इसमें मेहनत की, लेकिन जब मैं डिटेल में पढ़ाना इसी सब टॉपिक को चालू करता हूँ, मास्टर वीडियो में मेरे पास, मुझे बहुत कम समय में बहुत कुछ दे सकता हूँ आपको। मुझे कुछ मत करो, 15 दिन की क्लास लो, घर जाओ, निपट सूरज के, ज़्यादा डिटेल में मत पढ़ो, मैं इतना बहुत कम समय में चीज़ों को दे देता हूँ। लेकिन यदि डिटेल पढ़ना है तो डिटेल में मेरे खुद के भी मुझे खुद नहीं समझ में आता, क्योंकि मैं फिर कुछ छोड़ के नहीं चलता हूँ, बड़ा लंबा खींच जाता है। अभी मैं भूगोल चालू किया, भूगोल लंबा चला गया, आपको भी लग रहा है। देखो एक चीज़ बता दूँ, जहाँ पे आपको लगता है शॉर्टकट पढ़ाते हैं, देखो सिलेबस आपको भी नहीं पता क्या है क्या नहीं है, कोचिंग वाले चाहें तो गड्ढमट कर सकते हैं कैसे भी करके। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाता, मैं पूरा पढ़ाता हूँ, जो सिलेबस में वो पूरा पढ़ाता हूँ, तो ज़्यादा तो नहीं है। एक टीचर का एक इथिक्स होता है, देखो आप लोग आए हो, कैरियर को दाव पे लगाए हुए हो, अब आप लोगों की तरफ से जो त्रुटियाँ हो रही हैं, कुछ लोग कंटिन्यूस नहीं रहते हैं, कुछ रेगुलर नहीं रहते हैं, जो क्लास छोड़ते हैं, उनके लिए भी मैं कुछ कर रहा हूँ, सुविधा सब व्यवस्था बना रहे हैं, ऑनलाइन पैनल भी उनके लिए, सब ऑफलाइन वालों को मैं सोच रहा हूँ सब ऑफलाइन वाले सब ऑनलाइन चले जाएँ तो बहुत बढ़िया और अच्छा है। या फिर हम टर्मिनेशन पॉलिसी भी बना सकते हैं कि हम टर्मिनेट करें या फिर आपको कन्वर्ट टू ऑनलाइन करें। ऑफलाइन में बड़े चुनिंदा बच्चे चाहिए, रेगुलर रहें, सब कुछ रहें, और इसके बाद जो है हम लोग जो है कार्य को कंटिन्यूस जो है क्रम से करते रहें, डिटेल जो होता होगा चलना दो। क्लास आपकी छूटेंगी, मैं आपको पैनल दिला दूंगा, तो पैनल में अपना देखते रहिएगा जो क्लास छूट जाए, बाकी मुझे नहीं लगता कि पैनल मिलते ही आप लोग, पैनल 2 ही दिन के लिए दिया करेंगे, फिर उसको तुरंत ही डीएक्टिवेट। आज छुट्टी है, एक्टिवेट कर दो, जैसे ही छुट्टी खत्म डीएक्टिवेट कर दो, ऐसा ही सिस्टम बना के रखेंगे ऑफलाइन वालों का, ताकि उनको रिकॉर्डेड वीडियो वहाँ पे मिलते रहें, ठीक है। और छुट्टियाँ कहाँ हो रही हैं, किस चीज़ की छुट्टी हो रही है? आप लोगों को थर्सडे को बोला गया कि आप लोग टेस्ट दीजिएगा, आप में से बहुत कम लोग हिम्मत करते हैं टेस्ट देने की, एक वो चीज़ जिससे ही आपको क्वालिफाई करना है, उस चीज़ में आपकी हिम्मत नहीं है, आपके पांव सूज जाते हैं, टेस्ट के प्रोसेस से गुजरना ही नहीं चाहता बच्चा, टेस्ट से उसको बुखार आ जाता है, उसके दिमाग में सर दर्द हो जाता है, टेस्ट को पढ़ाई का हिस्सा रखता ही नहीं है। किस चीज़ की छुट्टी? सुबह से लेकर हम शाम तक पढ़ाते हैं, 9 घंटे की क्लासें भी होती हैं। अब प्लानिंग ये है हम 2 क्लासेज रखेंगे, लेकिन 2 क्लासेज 3-3 घंटे की रखेंगे, 6 घंटे मिनिमम, बीच में गैप होकर के वही 7-8 घंटे चला जाएगा, हम 3 नहीं रखेंगे तो भी, ठीक है। 1 अप्रैल से आपका फाइनली लाइव सेशन चालू होंगे, हर एक PCS के आजादी अकेडमी लाइव रहेगा पर्टिकुलर, उसमें अलग अलग फैकल्टीज होंगी, बिहार का अलग, MP का अलग, झारखंड का अलग, वो भी अलग से चालू हो जाएगा लाइव सेक्शन में। तो हमारे तरफ से तो काम बहुत बढ़िया से हो रहा है। अब जैसे अभी आधे से आधे सब्जेक्ट आप लोग के छूटे हुए हैं, किसी का नोट देखो किसी का ये छूटा है, अभी इकोनॉमिक्स छूटी हुई है आधे से आधे लोगों की, बीच बीच के टॉपिक,
तो उनका यूज कीजिए ना। आप आधी क्लास उसमें गायब रहते हैं। कल की बात रही, कल आपकी क्लास थी 3 बजे, बोला गया होगा आप लोगों को, लेकिन मजबूरी, आप देख रहे हैं कुछ काम हुआ होगा संस्था में। यहाँ पे हम जितने लोग हैं, हम 24 घंटे काम करते हैं, ये सब बता दे रहे हैं 24 घंटे। मैं अपना पर्सनली बताता हूँ कि मेरी क्या हालत रहती है। बस ये है कि आप लोग, बस ये है कि लिखवाए रहो, टेस्ट की बात हो टेस्ट नहीं देना, टेस्ट से आपको कोई लेना देना नहीं है, वो आपको बहुत बेकार चीज़ लगती है, तो भैया प्रॉपर टेस्ट दीजिए, जिससे भला होना है, टेस्ट होकर के ही नैया पार होनी है। जो दिन मिल जाए उससे रिवाइज कर लो, रिवीजन भी तो करना है। यदि हम घंटे निकालें, कहिए तो मैं कैलकुलेट करके घंटे दूंगा आपको, वीडियो से सारे घंटे मिल जाएंगे, तो घंटे निकालेंगे तो एवरेज आप पाओगे कि डेली की क्लासेस हमारी 6 से 7 घंटे की होती हैं, जो किसी संस्था में नहीं होती हैं। संस्थाओं में कितना होता है, ज़्यादा 3 घंटे का एक सेशन होता है बस छुट्टी, 3 घंटा भी नहीं, 1.5-2 घंटे भी पढ़ाते हैं यहाँ, 3-3 घंटे की डेली क्लासेस चलती हैं। आप लोग जो गायब होते हो, आधे गायब, कुछ कल आए, कुछ परसों आए, कुछ को बुखार हो गया, जुकाम, ऑफलाइन में बहुत प्रॉब्लम है, ऑनलाइन बढ़िया है, ज़्यादा अच्छा है। मुझे तो ऑनलाइन इस चीज़ को लेकर, ऑनलाइन में ये दिक्कत है कि घर में बढ़िया रजाई है तो रजाई दुबके हुए कुछ नहीं होता, ये भी दिक्कत है। दोनों चीज़ें, दोनों के बैकड्रॉ यहाँ पे, एक ही कंटिन्यूअस है तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ती, एक साल के लिए आप अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हो कि चलो आओ जूझ ही जाते हैं। एक बार देख, जानते क्या है, UPSC के बच्चे के साथ है कि डोलड्रम में रहता है, साथ साथ वो भी लेके चल रहा है लेखपाल का एग्जाम आ गया है ना, BDO की एग्जाम साथ साथ लेके चल रहा है, लोअर PCS का साथ साथ लेके चल रहा है। अरे चल लो भैया, पहले वही कर लो, उसी से निवृत्ति पा लो, क्यों इधर आ रहे हो। 15 नाव में पांव रखता है UPSC का बच्चा। यदि आपने एक बार डिसीजन ले लिया कि सिविल सर्विसेज करना है, एक ही में जाना है, झोंक दे अपने आप को। यदि कांस्टेबल दिमाग में रहेगा ना, कुछ नहीं हो पाएगा, पहले वही कर लो, ज़्यादा अच्छा है। तो 15 चीज़ें जब साथ में चलती है ना, तो कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ मजाक होता है, पढ़ाई के साथ भी, हर चीज़ के साथ भी। मैं आपको साफ सीधी सी बात बताऊं, 1 साल 1.5 साल का कठिन परिश्रम करो, सब कुछ छोड़ छाड़ के लग जाओ, पागलों की तरह लग जाओ, एक जुनून आ जाए आपके अंदर, सब कुछ कर रहे हो लेकिन तैयारी ही कर रहे हो। यदि ये कॉन्फिडेंस जब आता है तो एक ही साल में एग्जाम क्रैक होता है, नहीं तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस ब्रेक होना चालू हो जाता है, कॉन्फिडेंस ब्रेक होने में टाइम नहीं लगता है। टेस्ट पे टेस्ट दो, टेस्ट ही से कॉन्फिडेंस आएगा, उसी चीज़ से भाग रहे हो जिससे एग्जाम में सेलेक्ट होना है। ये लिखने सेलेक्ट थोड़ा ना होना है, सेलेक्ट तो लिखने की पद्धति सीखने से होना है। कोई भी टॉपिक मैं आपको दे दूं, आप उसको लिख सकें। मैंने आपको बोला कि हर टॉपिक पे सिनॉप्सिस बनाइए, टॉपर नोट्स नहीं बनाते, टॉपर सिनॉप्सिस बनाते हैं, नोट्स बनाने का तरीका बताया क्लास में, आधे से ज़्यादा नहीं कर रहे, कुछ लोग कर रहे हैं बस, उनके नोट्स देख के अच्छे भी लगते हैं। समस्या है ना, आलस्य है, बहुत सारी चीज़, किसी के पास बहुत टाइम है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पंचवर्षीय योजना है ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। अब वो चीज़ आप कंटिन्यूस नहीं कर पा रहे। अरे मैंने इतने टॉपिक है, चलो विश्व भूगोल मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया, यदि मैं आप लोगों से पूछना शुरू करूं, मैं जबकि आपको बोलता हूं कि जो टॉपिक क्लास में पढ़ा जाए अगले दिन क्लियर, अगले दिन ये रहे कि सर जी पूछिए, जो पूछना हो आज ही टेस्ट ले लीजिए, लेकिन आपसे पूछा जाए यदि कुछ तो आप नील बटे सन्नाटा, समझ में नहीं आया क्या हुआ, क्लास में खूब ओके, क्लास के बाद घर पे जाके पढ़ना ही नहीं है। भैया ये चीज़ें मेमोरी है, अभी मैं आप लोगों से मिला हूँ, जो लोग डेली मिल रहे हैं ज़िंदगी भर के लिए याद हो गए, जो लोग आज मिलेंगे कल नहीं मिलेंगे, परसों नहीं मिलेंगे, अगले दिन पूछेंगे भैया कौन, मैं भी कहूँगा कौन, यही होगा। यदि डेली 10 बार किसी चीज़ से मिल लो तो वो ज़िंदगी भर के लिए याद रहेगी, आप एक बार पढ़ने के बाद सोचते हो हमेशा के लिए याद रहे, ऐसा नहीं होता, आपको रिवीजन करना पड़ेगा बैक टू बैक। तो इस बात को बड़ी गहराई से समझ लीजिए, रिवीजन कीजिए, खाली टाइम मिलता रिवीजन कीजिए। अच्छा पुराने को इकट्ठा करके रखना ही है क्या, पुराने को तो हमेशा के लिए याद कर लेना है, जो आज टॉपिक हो गया वो मेरा कभी भूलना ही नहीं चाहिए, ये फील हो जाना चाहिए, जैसे ही टाइम मिले पूरा कंप्लीट रिवीजन। 50 टॉपिक पढ़ने से अच्छा है कि 15 टॉपिक पे ही अपनी मजबूत पकड़ है, यदि 15 में से कहीं से पूछेगा तो कॉन्फिडेंस रहेगा तो अच्छा है। कॉन्फिडेंस डेवलप तभी होगा जब आप पढ़ोगे, आप रिवीजन नहीं करते, आप काम नहीं करते, आपके फोकस बटे हुए हैं। अरे 1 साल तो डिमोटिवेशन का नाम नहीं होना चाहिए, याद ही नहीं आना चाहिए कि क्या डिमोटिवेशन होता है, किसे थकान कहते हैं, किसे नींद कहते हैं, ये तो आना चाहिए अपने अंदर, तभी तो कुछ नहीं हो पाएगा। भाई आप अकेले नहीं हो इस भीड़ पे, आप जैसे 25,000 लोग, भीड़ बहुत बड़ी है, 10 लाख लोग फॉर्म डालते हैं डालने दो, लेकिन 25,000 लोग जबरदस्त लगे हुए हैं, जो अपना नींद चैन सुख पंखा गर्मी ठंडी घर परिवार शादी विवाह सब छोड़ छाड़ के बैठे हुए लगे हुए हैं। और हर साल अभी आपने देखा, इस बार एक बच्चा निकला UPPCS में, कांस्टेबल थे है ना, और इसके बाद SDM पोस्ट मिली उन्हें, तो समझिए क्या क्या ये बड़ी बात होती, बड़ी अचीवमेंट होती है।
आप सबसे पहली चीज़ क्या होता है, जब आप सेलेक्ट हो जाते हो एक पोस्ट में जाते हो तो आपको एक बार कैटेगरी फाइज पता चल रहा है, मैं नीचे कैटेगरी में हूँ, मैं लोअर क्लास हूँ, मैं अपर क्लास हूँ, आपको क्लास दिखा दी जाती है भारत के जितने भी जॉब है पोस्ट है। कांस्टेबल को लगता है कि एसआई बहुत बड़ा है, एसआई को लगता है डिप्टी एसपी बहुत बड़ा है, डिप्टी एसपी से पूछो तो कहता है आईपीएस बहुत बड़ा है। कोई संतुष्ट नहीं कहीं पर भी, लेकिन इसके बावजूद भी जिसको करना है वो कर जाता है, जिसको अपना स्टेटस अपग्रेड करना है अपग्रेड कर जाता है। हमारी बहुत क्लियर और स्पष्ट बात है आप लोगों से, टॉपिक रेगुलर चल रहे हैं, जो टॉपिक हो उसको ऐसा बना दो कि दोबारा ना पढ़ना पड़े। मैं 50 बार बोलता हूँ, घर में जाके और कुछ मत पढ़ो, यहाँ से जाके तुरंत रिवाइज करो, वो अपना हो जाए वो टॉपिक, क्लास के साथ चलते रहो। साथ में मैंने आपको दो चार और चीज़ें बता रखी हैं कि घटना चक्र भी करते जाओ साथ साथ, ताकि पीटी का भी होता जाए, एक डेढ़ घंटा करंट के लिए निकालो उसका होता जाए, जिस दिन छुट्टी मिले पूरा रिवाइज कर डालो डेली। अब जैसे कि अब इस समय मुझे टाइम मिला है, मैं डेली आपको दो सेशन लेने वाला हूँ, दो से तीन भी ले लूँगा, और लंबे लंबे सेशन होंगे। जैसे ज्योग्राफी मैं दो दिन में ख़त्म कर दूँगा, कल आपकी परसों, दो दिन में ज्योग्राफी ख़त्म। इसके बाद मैं फिर पकड़ूँगा भूगोल को, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री को, वर्ल्ड हिस्ट्री कितनी बची है, प्रथम विश्व युद्ध ख़त्म, आर्थिक महामंदी में आ गए हैं, इसके बाद नाजीवाद फांसीवाद का उदय, इसके तुरंत बाद द्वितीय विश्व युद्ध, फिर बचा क्या, कोल्ड वॉर आपको काफ़ी कुछ है यार में बताया गया होगा, उसको बता दूँगा एक बार में, बहुत सारी चीज़ें हैं, और हर चीज़ हम इतनी डिटेल में कर रहे हैं कि आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं। क्या पढ़ने की जरूरत है बताओ, किताबों में नहीं मिलेगा वो चीज़ें जो चीज़ें हम पढ़ाते हैं, क्योंकि हम 15 सेक्शन से लेकर के पढ़ाते हैं। आज जो आपने देखा ये नोट्स, एक टॉपिक का नोट्स नहीं है, इसमें क्रमबद्धता होगी, हर टॉपिक एक दूसरे से लिंक कर रहा होगा, यहाँ पर कोई तोड़ नहीं है, जुड़ाव है हर चीज़ का, क्योंकि इसमें बड़ी रिसर्च होगी, मेरी 5 साल की मेहनत है ये जो आज मैं मास्टर वीडियो दे रहा हूँ और लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको मिल ही नहीं सकती और एक किताब से तो हो ही नहीं सकता, तो क्यों चक्कर में पड़ रहा, जो पढ़ाया जा रहा है क्लास पे विश्वास करो, इतने को ही मजबूत बनाते चले जाओ, धीरे धीरे सिलेबस खत्म होगा, सिलेबस करने में टाइम लगता है, हमने क्लियर बोल दिया है, पॉलिसी है 8 से 9 महीने की मिनिमम, ज़्यादा भी हो जाता है 11-12 महीना भी लग जाता है, क्योंकि मजबूरी है, या तो हम न्याय करें या तो खाना पूर्ति करें, दो चीज़ें होती हैं टीचर के सामने, खाना पूर्ति कम से कम नहीं हो पाएगा। मैंने 2 बार कोशिश की है, एक बार आधुनिक भारत के साथ हुआ, अब आधुनिक भारत में फिर से करूँगा, खाना पूर्ति करनी पड़ती क्योंकि प्रेशर आ जाता है आप लोगों का। जैसे कि ऑनलाइन बैचेज में, ऑनलाइन बैच का तो नहीं है कोई बैठा है, अच्छा आधुनिक भारत गया है आपके पास, आधुनिक भारत गया है, उस समय पीसीएस का एग्ज़ाम था, आज भी देखो मैं पछताता हूँ, अब मैं पूरा उसको फिर से अगेन भेजूँगा, पीसीएस का एग्ज़ाम था, मैंने गांधी असहयोग बहुत अच्छे से पढ़ाया, असहयोग तक इतना डिटेल्स पढ़ाया, मैं दावा करता हूँ हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में कि कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो, बाकी IR वाले सेक्शन आप उनको खुद ही देख रहे हैं कितना डिटेल है, डिटेल के मामले में हम छोड़ते नहीं हैं, हम बैठते हैं चर्चा करते हैं फिर इसके बाद काम करते हैं कि भाई कुछ भी हो, जो काम हमारे साथ गलत हुआ है हम आपके साथ नहीं होने देंगे, ये प्रण के साथ हम चला रहे हैं, इसीलिए हमें बड़ी लिमिटेड बच्चे चाहिए यहाँ पे, बहुत भीड़ नहीं चाहिए, भीड़ सब ऑनलाइन में है, वहाँ पे तो 10,000 लोग हैं, 44-45 बैच चल रहे हैं, वो भीड़ यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ पे वो चाहिए जो संयमित होकर बैठें और रेगुलर बेस में तैयारी करते रहें। अब इस चीज़ को बड़ा क्लियर, अब तो एंट्रेंस एग्जाम की भी प्लानिंग है कि वेबसाइट में हम एंट्रेंस एग्जाम भी लेंगे, एक मेंस का और दूसरा प्री का, ताकि क्लियर हो जाएगा, बड़ी छटनी होकर बच्चे आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, उनसे डिस्कशन करने में पूछेंगे, रेगुलर रहेंगे, कंटिन्यूस रहेंगे। देखो फीस का इशू यहाँ कुछ रहता नहीं है, फीस का इशू ना हम क्रिएट करना चाहते हैं, ना कभी करेंगे, आज तक लाइफ में आप कभी भी रहोगे ये चीज़ नहीं पाओगे, तो हमें बच्चा भी वैसा चाहिए कि बच्चे के अंदर भी क्वालिटी हो, कि यदि हम दे रहे हैं तो वो ग्रहण करें, ऐसा ना हो कि दे रहे हैं नीचे से टंकी खुली हुई है सब लीकेज होता जा रहा है, ऊपर डालने का फ़ायदा क्या है, समझ रहे हैं ना। तो बहुत सिंसियर, इस चीज़ में सिंसियरिटी आपको बरतनी पड़ेगी, यदि आप नहीं बरतेंगे, अब मैंने आधुनिक भारत में दबाव के कारण आप लोग सर क्लास, मुझे कितना टाइम लगता है बताइए, तो मैं 2 क्लास में ख़त्म करके निकल जाऊँगा, मैं बहुत बताया ना बहुत फास्ट आदमी हूँ, मुझसे फास्ट आपको अभी नहीं कोई मिलेगा पढ़ाने में, मैं आपको 29 मिनट में भारत का संविधान कंप्लीट करा के निकल जाऊंगा, आप क्लेम भी नहीं कर पाओगे सर जी ये छूट गया, बस ये है कि मेरी स्पीड आप पकड़ लो तब। आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत टाइम नहीं लगेगा, मैं पूरे इतिहास को 1-1.5 घंटे में कंप्लीट करा दूंगा, आप तब भी नहीं, बस ये कि आप पकड़ पाओ तब है, तो फास्ट की टेंशन तो ना लो। फिर मैंने आनन फानन में सभी ने अवज्ञा आंदोलन उसमें गया, आनन फानन में गया, मजबूरी थी पीछे पड़ गए, अब जब आएगा डिटेल से फिर कराएंगे, उनको फील होता है इस चीज़ का कि डिटेल से करने वाले नहीं मिले,
ऑनलाइन बैचेस हर जगह पे, कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो क्लास नहीं करते, सिर्फ उन्हें संख्या इकट्ठा करनी है, बस क्लास हो रही क्लास हो रही है। अरे भैया, कलेक्टर बनने से पहले कलेक्टर बन गए, कोई वीडियो कलेक्ट कर रहा है, कोई नोट्स कलेक्ट कर रहा है ना। आपको अपना नॉलेज कलेक्ट करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा भी मिला लेकिन ज़बरदस्त मिला, ज़्यादा खाने के चक्कर में मत रहो, थोड़ा लिया पचाया, थोड़ा लिया पचाया, थोड़ा लिया पचाया, खा रहे हो खूब, सब आपस सुबह निकल जा रहा है, लूज मोशन हो गया, क्या फ़ायदा। समझ रहे हो मेरी बात को? बहुत सिंपल और आसान शब्दों में बताता हूँ, ऑफलाइन वाले जितने भी हैं, पहली चीज, जितना कुछ कराया जा रहा है उसे एक्टिवेट रखें। मैंने सबकी कितने कुछ लोगों की कॉपियाँ देखी हैं, सीमा जी इनकी हालत ख़राब है, आधी का बताइए कब से जुड़ी हुई हैं, आधी चीज़ें नहीं, आधी बुक्स ही नहीं है। यहाँ से हम पागलों की तरह भगते रहते हैं, किताब खरीद लीजिए, ये बुक ले लीजिए, ये बुक ले लीजिए। उस दिन जब इनका चेकिंग हुआ, पता चला किताब ही गायब। ये हाल चाल है। और कौन था? इरशाद जी, आज नहीं आए। इरशाद जी हैं, उनका मैंने चेक किया, आधे टॉपिक ख़त्म है, आधे नहीं है, लेकिन उन्होंने काफ़ी कुछ किया हुआ है। आज मैंने किसी को बुलाया था संडे को, कहाँ है राहुल जी, लाए नहीं होंगे, ले आएंगे। थोड़ा सा सीरियस होइए, देखिए यहाँ पे मजाक नहीं चल रहा। जो मैं ओके बोल दूँ कि ये चीज़ होनी है, अब मेरे पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है, आप लाते तुरंत, मैं रुकता तुरंत, काम कर देता तो तुरंत। अब मैं एक एक पर्सन की काउंसलिंग करना भी इसीलिए शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि पता तो चले सिनेरियो घर के पीछे क्या होता है, पीठ पीछे आप क्या करते हो, यहाँ पे कुछ और है, कहीं पे कुछ और है, तो कोई बेनिफिट नहीं है ना उसका। देखो, सिर्फ सपना सजो लेने से कुछ नहीं होगा, सपने के लिए काम करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि लिखने से ही काम चलेगा, आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि डाटा भी चाहिए, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, सिलेबस का एक सेक्शन नहीं छोड़ सकते आप। बिना सिलेबस कंप्लीट किए किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। और मेंस हम तभी देंगे, हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा है, मेंस तभी देंगे, प्री हम तभी देंगे जब हम मेंस के लिए तैयार हो जाएंगे। इस दृढ़ प्रतिज्ञा के बाद जाइए। करते क्या है, अभी फार्म आया तुरंत तुरंत भर दिए, अभी पीसीएस वाले तमाम भूत जागेंगे, अभी आईएएस वाले जागे, अचानक से उनको स्वप्न आ गया कि मम्मी ने कहा था बचपन में आईएएस बनना है। अब वो लोग फॉर्म आते ही पागल हो गए, लगे हुए किसी दूसरी जॉब में, अरे सर जी मैं इस जॉब में क्वालिफाई हो गया, वो इधर करवा दी। अरे भैया, अभी उसका सिलेबस बहुत बड़ा है, ये अलग चीज़ है। यूपीएससी में चाहे आप आईआईटीएन हो, चाहे आईआईएम से हो, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, यहाँ तक कि आप पिछली बार के सेलेक्टेड भी हो, जैसे इस ग्राउंड में प्रवेश करते हैं आप बराबर जीरो हो जाते हैं, सब यहाँ जीरो हो जाते हैं। जिसको आईआईटी का भ्रम है ना, बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, आधों का होता है, कुछ ही का होता है, ठीक है, यहाँ पे सब जीरो हैं, यहाँ पे इक्वल हैं, ये गेम ही अलग है। हर साल यूपीएससी अपडेट होता है, पीसीएस अपडेट होते हैं, करंट इनका अपडेट होता है। तो यहाँ पे जिसको भ्रम है ना कि मैं बहुत पुराना खिलाड़ी हूँ, पुराना विराना उनका तो और नहीं होता है, और बुरा हाल होता है, फिर बाबा बन जाते हैं। मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, देखो ये बहुत कटु वचन है लेकिन आपको इस बात को समझना पड़ेगा, ये सच्चाई से आप कब तक भागते रहोगे। सच्चाई से भागते 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 कभी सिलेबस कंप्लीट ही नहीं किया, सुकून के साथ बैठे नहीं कि सिलेबस को बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट किया जाए, बस एग्जाम निकालने की होड़ में, ये एग्जाम दिया वो एग्जाम दिया, और एग्जाम निकालते 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 हमारे क्लास के अनिल जी बन जाते। कितने एग्जाम दे चुके हैं, देखिए अनिल जी हमारे आए हुए थे, एक साल हो गया, एक साल ज़्यादा, पहले ही दिन से मैं लाठी लेके खड़ा था, अनिल जी एग्जाम नहीं देना, रे सर जी बस कांस्टेबल का ही तो है, अनिल जी एग्जाम नहीं देना सर, नॉन टेक्निकल है। अब आप अनिल जी को टारगेट नहीं कोई करिएगा, हमारा उनका व्यक्तिगत संवाद है, चल रहा है केस स्टडी, लेकिन अनिल जी नहीं माने, यूपीएससी भी दिया है ना, तुरंत ज्वाइन। और ये मजे की बात, देखो कोचिंग वाले कैसे बेकूफ बनाते हैं, मजे की बात, उस समय हमने क्रैश कोर्स चलाया था, 45 दिनों में पूरा सिलेबस खत्म कर रहे थे, ये खत्म करने आ गए थे। इनको ये भी नहीं पता था कि क्रैश कोर्स किसके लिए होता है, क्रैश कोर्स उसके लिए होता है जो दो तीन अटैम्प्ट दे चुका हो, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुका हो, कम समय में ज़्यादा नॉलेज चाहिए हो, ये भी प्रोफेसर थे। इनको कहीं लिख गया 45 मिनट में कोर्स कंप्लीट, तुरंत छोड़ छाड़ के आ गए, सर जी कंप्लीट कराइए हमारा कोर्स, हमने कंप्लीट भी कराया था लेकिन हमारी बात नहीं सुनी। मैं साफ बोलता हूँ, भूल जाओ आईएएस पीसीएस बनना है, दिमाग से हटा दो, इस गंदगी को हटा दो, ये गंदगी है क्योंकि ये डेली आकर के आपको डिस्टर्ब करेगी। दिमाग में एक चीज डाल लो, बस पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है बस। जिस दिन दिमाग में आ गया कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, आप सिलेबस आप एक महीने में कंप्लीट कर लो तो कल दे दो, दो महीने में कंप्लीट कर लो तो परसों दे दो, एक साल में कंप्लीट कर दो तो एक साल बाद दे देना, दो साल में कंप्लीट कर दो साल, पंचवर्षीय में कर पाना तो पंचवर्षीय बाद दे देना, लेकिन देना तभी जब सिलेबस कंप्लीट हो, नहीं तो आप आत्महत्या करोगे और कुछ नहीं करोगे। छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, साफ सीधी सी बात,
भटकना हो, 5 अटैम्प्ट किसी को ये बताना हो मैंने 5 बार इंटरव्यू दिया हो, 8 बार इंटरव्यू दिया हो, लोग डर जाएंगे आपसे, ठीक है। इसलिए सिंपल और आसान भाषा में सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, भूल जाइए एग्जामों को, कोई भी एग्जाम भूल जाइए, पहले पूरा का पूरा फोकस सिलेबस कंप्लीट करने में, पागलों की तरह लग जाइए सिलेबस कंप्लीट करने में। अरे उससे पहले सोचना तो पाप है, अभी एलिजिबिलिटी आई नहीं, नॉलेज आया नहीं, कुछ नहीं आया, आईएएस बन गए, ये सब ये भ्रम की बात है, ऐसा मतलब ये कुछ नहीं, आप खुद को भ्रमित कर रहे हैं, परिवार वालों को डेली सपने और दिखा देते हैं कि टेंशन मत लो, बस इस वाला पीसीएस में बस नीली बत्ती अपनी है ना, दोनों मिलकर कूटेंगे, भैया को घर वाले भाई को बोल देते तुम्हें ड्राइवर रख लूँगा, तुम भी टेंशन ना लो। तो कहीं ना कहीं पे ओवरऑल इतना ये जो ये दबाव आप परिवार वालों के ऊपर बनाते हो, अपने ऊपर बनाते हो, परिवार वाले आपके ऊपर बनाते हैं, दूसरा आपका धीरे धीरे उम्र बनाता है, उम्र के साथ शादी का दबाव, वो सबसे बड़ा दबाव है। लड़कियों के साथ अलग दिक्कत, लड़कों के साथ और दिक्कत। लड़कियों के साथ एक फ़ायदा है, खुद बन गई तो खुद, और नहीं तो दूसरा, है ना। लड़कों के साथ दिक्कत है, उन्हें खुद ही करना है सब, उन्हें कोई नहीं मिलने वाला। लड़कों के साथ ऐसा नहीं हो सकता कि लड़की आईएएस हो, लड़कों के साथ होता है कि लड़की को लड़का आईएएस मिल सकता है। लड़कियों के लिए 2 तरीके हैं, खुद आईएएस बन के मज़े लेना, नहीं तो, है ना। तो कहीं ना कहीं पे ओवरऑल आपको इस बात को समझना पड़ेगा, और हमारे पास समय नहीं है ज़्यादा, हमें कम समय पे ही लगना पड़ेगा अपने मिशन मोड पे, अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से समझना होगा। बच्चों को सिलेबस ही नहीं पता होता, यदि उनसे पूछ लो अच्छा चलो इथिक्स का पूरा सिलेबस बताओ क्या है, नील भट्ट सन्नाटा, उन्हें सीधा मूवी दिखा दो, उसके अलावा उनको कुछ समझे, बोलो इथिक्स का कोई पूरा सिलेबस मुझे बता दे, अभी किसी को पता हो कि इथिक्स का पूरा सिलेबस ये है, जबकि यहाँ पे इथिक्स हुआ भी है क्लास में, कितने पॉइंट कितने टॉपिक हैं इथिक्स में, क्या क्या है बताइए, हाँ 7-8, यहाँ सट्टाबाजी चल रही है, लगा लो सट्टे में, कुछ नहीं हो सकता भाई, पहले सिलेबस देखना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा क्या पूछ रहा है वो। कोई गेम है, गेम के बीसीसीआई आप जा रहे हो क्रिकेट खेलने, पता नहीं चौका किसको बोलते हैं, छक्का किसे कहते हैं, है ना, किस में 1 रन लेना है, किसी में 2 रन लेना है, तो ये तो पता होना चाहिए रूल क्या है भैया क्रिकेट के, बिना रूल के पता चला खुद ही स्टंपिंग मार्क चले आए खुद ही। तो ओवरऑल आप जो है एक दिमाग में बैठाओ इसको, पहले सिलेबस को देखो, सिलेबस को बिल्कुल गंभीरता से देखो, देखने के बाद उसके एक एक टॉपिक को उसके सब टॉपिक इकट्ठे करो, सिनॉप्सिस बनाओ, बहुत सारी किताबें देखो, कोचिंग क्या है, सोर्स ऑफ नॉलेज और कुछ नहीं, मेरे पास आओगे मैं नॉलेज दे दूंगा, किताबें क्या है, सोर्स ऑफ नॉलेज, मार्केट में 500 किताबें उपलब्ध हैं, मैं खूब सेल्फ स्टडी के लिए सजेस्ट करता हूँ, सोर्स ऑफ नॉलेज आप हर जगह से मिल रही है, लेकिन सक्सेस तभी होंगे जब आप खुद के सिनॉप्सिस बनाएंगे। टॉपर नोट्स नहीं बनाते, टॉपर सिनॉप्सिस बनाते हैं, इस दिमाग को बैठा लीजिए, जब से करना शुरू कर देंगे उसी दिन से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अरे बनाते रहिए नोट्स, जिंदगी बूझ जाएगी, जिंदगी भर कुछ नहीं होने वाला, बस आज लक्ष्मीकांत ले लिए पूरा उसे छाप डाले, अरे पॉइंट बाय पॉइंट लक्ष्मीकांत से कुछ छापा, कुछ उससे छापा, कुछ उससे छापा, एक मास्टर नोट समय तैयार करना जो कंप्लीट हो, कंप्रिहेंसिव, जिसमें करंट भी हो और बुलेट पॉइंट में हो। किसी ने मेंस दिया है यहाँ पे किसी भी चीज़ का, लिखित हो मेंस नहीं दिया, दुर्भाग्य मेरा, दुर्भाग्य इस बात का नहीं है कि आपने मेंस नहीं दिया, दुर्भाग्य इस बात का कि आपको ने मेंस नहीं दिया तो उसका अनुभव नहीं है आपको। मेंस में क्या होता है, आप जैसे खूब लिख रहे हो, पैराग्राफ्स में लिख रहे हो, वो कर रहे हो, जब मेंस में जाते हैं तो बहुत सारे टॉपर जो भी सक्सेसफुल हुए उनके इंटरव्यू सुनिए, वो कहते हैं कि वहाँ पे आंसर को फ्रेम करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उनको बुलाओ पहले इधर आओ, वहाँ आंसर फ्रेम करने का टाइम ही नहीं होता। आपको 3 घंटे में 20 से 25 क्वेश्चन लिखने होते हैं, 1 क्वेश्चन के लिए 9 मिनट मिलता है, पेन चलाने में भी हाथ कांपता है, इतना बुरा हाल होता है, क्वेश्चन ऐसा होता है जो समझ ही में नहीं आता, तो वहाँ पे तो दिमाग में जो आता है वो लिखा जाता है, कोई फ्रेम नहीं करता वहाँ पे, जो सब पागल बनाने के जरिए हैं। कल के दिन आप सेलेक्ट हो गए, आप भी बताओगे, वो तभी हो सकता है जब आप पहले से उसका पूरा करके गए हों, पहले से बुलेट पॉइंट। टॉपर जो होते हैं वो ये चीज़ नहीं बताते, बाकी सब बताते हैं, अरे अनसन फ्रेम क्या करेगा वहाँ पे? कोई कच्चा मटेरियल, कोई लोहे का फ्रेम ले जाके लगा देगा? अरे उसके लिए पहले से उसको सिनॉप्सिस बनाने पड़ेंगे बच्चे को हर टॉपिक पे। अब जैसे कि मान लो अभी आपका जिनेवा कन्वेंशन चल रहा है, ठीक है, जिनेवा कन्वेंशन या फिर भारत पाकिस्तान, ये मान लो कुछ भी है, इसमें क्या करना है, सिर्फ 5 बुलेट पॉइंट क्रिएट कर लेने, बस बुलेट पॉइंट मतलब एक पॉइंट में पूरा टॉपिक समझ में आ जाना चाहिए। आप क्या चाहते हो 15 पैराग्राफ में कंप्लीट करते हो उसको, याद रहेगा वहाँ पे? इतनी है आपकी हार्ड डिस्क, 2 GB की हार्ड डिस्क लेके घूम रहे हो, 10 नंबर का मोबाइल नंबर याद नहीं होता आपसे,
पूछ लिया जाए कि भाई अपना मोबाइल नंबर बता दो, तो वो तो याद होता नहीं है। ठीक है, तो बुलेट पॉइंटों में आपको तैयार करना है, ये बड़ा सिलेबस है, खुद का बनाना है, ताकि आपका हाथ भी, आपका हाथ, आपकी राइटिंग, आपका ब्रेन आपकी राइटिंग को ज़्यादा पसंद करता है, जल्दी उसे याद करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अपना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। सब समझदार हैं, सब बड़े हो गए हैं, सब जो है मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। 18 साल की उम्र के बाद बच्चा कुछ भी कर सकता है। मेरा एक कार्य है कि मैं आपको सिर्फ सही सलाह दूं। सही सलाह सिर्फ ये है कि सिलेबस को कंप्लीट करना है, हमें अच्छे से करना है, खाना पूर्ति बिल्कुल नहीं करना जब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए। आईएएस पीसीएस का सपना दिवा स्वप्न है, एक फैंटेसी है जो दिन में आता है और अगले दिन चला जाता है। इसलिए चुपचाप सिलेबस कंप्लीट करो, पागलपन मत करो। फॉर्म हर महीने आने हैं, हर साल आते हैं, पुराने फॉर्म आए थे वो भी आप भरे थे तो कुछ नहीं हुआ था, अभी फिर आ रहे हैं तो फिर वो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। अरे पहले क्लियर कर लो कि लव है कि अट्रैक्शन, जो भी दिख रहा है उसी को पकड़ लिए, ऐसे तो आप 15 शादियां कर लो, है ना। तो लव मैरिज आपकी किससे है ये क्लियर होना चाहिए, एक ही से होता है प्यार, एक ही से होता है, यूपीएससी से है कि आपको लेखपाल से है, हो तो पहले इधर ही से निपट लो, ठीक है। जब इधर से तलाक हो फिर छोड़ के आना, जो आता है वही आपको पकड़ लेता है, क्लियर होना चाहिए। पागलों पागलों वाली बात ही नहीं होती, अपने पास एक क्लियर थीम है कि बस इसमें जाना है तो जाना है, एक एटीट्यूड बन जाए और फिर उसके लिए जान पूरे अपने खपा भी देना, ऐसे नहीं कि बस बोल रहे हैं कि जाना है जाना है मैं तो दूसरा कुछ नहीं करूँगा, उसके लिए खपाना भी पड़ेगा, अपने आप को झोंकना भी पड़ेगा, रात दिन जगना भी पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, रजाई से सुबह उठना भी पड़ेगा, अपने आप से लड़ना पड़ेगा दिन प्रतिदिन, डेली आप खुद ही अपने आगे खड़े हो जाओगे कि अरे नहीं आज मैं डिमोटिवेट हुए पड़े रहोगे। डिमोटिवेशन का मतलब क्या है, आप खुद अपने आगे आके खड़े हो जाते हो, अपने आप को कमज़ोर समझते हो। तो ये सब चीज़ें बचकानी हरकतें जब तक करते रहोगे कुछ होना जाना नहीं है, ठीक है। बाकी रही बात, मैं आपको बता दूँ कल से ज्योग्राफी चलेगी, तब तक चलेगी जब तक समाप्त नहीं हो जाएगी। खनिज वाला टॉपिक चल रहा है हमारा, नया जो टॉपिक चलना है वो 25 तारीख से चलाएंगे। साइंस टेक एक तरफ चालू होगा आपका, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विषय वस्तु, दूसरा जन्म संग्रह होगा। जन्म संग्रह इस विषय को लेकर के कि आप आधुनिक भारत चाहते हैं कि आप विश्व भूगोल चाहते हैं, आप जिस पक्ष में जाएंगे उस पक्ष को मैं हरी झंडी दिखाते हुए चालू कर दूंगा। तीन नहीं रहेंगी, क्लासेस दो करेंगे, क्लासेस दो करी जाएंगी, ड्यूरेशन बढ़ी की जाएगी, ड्यूरेशन 3.5 घंटे एक क्लास की रहेगी कम से कम। बात हम बराबर ही करने वाले हैं, टेंशन ना लीजिए, ठीक है, हम घुमा फिरा के उसे ही लेंगे, लेकिन यह है कि टॉपिक कम हो जाएंगे तो आपका एक टेंशन खत्म हो जाएगा। करंट अफेयर्स में थोड़ा थोड़ा अभी भी लेके चलूंगा, करंट अफेयर्स चूँकि मुझे कराना है, बाकी परीक्षा मंथन आ चुका है, ठीक है, लीजिए पढ़िए, खुद काम खुद से भी कीजिए, उसने भी बढ़िया सिनॉप्सिस बना रखा है। हाँ बता दिए सर जी से, परीक्षा बंधन भी करवा लो, मुझे मार दो, मैं मास्टर वीडियो दे दूंगा, बाकी जितना करा सकता हूँ करा लूंगा। अब मेरे पास जगह कहाँ, आप ही कह रहे हो दो करिए सब्जेक्ट, समय कहाँ पे ये बताओ, कहीं पे समय दिखता है पूरे सेक्शन में? विश्व इतिहास उधर पड़ा है, मेरे हाथ पांव फूल हो रहे हैं क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं है ना, नहीं तो आराम आराम पढ़ते बढ़िया, आराम आराम चलते। देखो मैं बड़े इत्मीनान से पढ़ाता हूँ, मुझे जल्दबाजी पसंद नहीं आती, विश्व इतिहास बढ़िया इत्मीनान इत्मीनान सब एक एक घटनाएं समझाता जा रहा हूँ। किसी को लग रहा बहुत ज़्यादा है, अरे ज़्यादा नहीं है, बराबर बिल्कुल इक्वल है। इतिहास में मैं क्या करा दूँ कि आपको बस बड़े बड़े पॉइंट लिखवा दूँ, इतिहास तो एक कहानी होती है जिसका एक एक स्टेप एक एक लिंक जोड़ के पढ़ना होता है। तो इत्मीनान से पढ़ते जाओ जैसा चल रहा है, जब सिलेबस खत्म हो जाए फिर इत्मीनान, खत्म हो जाएगा एक दिन वो भी, जल्दबाजी कर रहे हो इसलिए आपको लग रहा है। अपना प्रेशर स्टूडेंट खुद ही बनाता है, अपने ऊपर मोरल आप प्रेशर क्रिएट करते हो, ठीक है। तो आप में से जो नए लोग हैं जो अभी ऑफलाइन रहना चाहते हो कल से ही रेगुलर रहेंगे, बाकी हम 25 से कंटिन्यूस करेंगे उनका, ओके। 25 को हम शायद 25 या 26 को वर्कशॉप सेशन करेंगे, फिर हम बुलाएंगे काफ़ी बच्चों को, जो लोग आ चुके हैं अभी से रेगुलर रहें, अपना रिदम क्रिएट कर लें और भी सारी चीज़ें क्रिएट कर लें, जो टॉपिक होंगे वो उनको सीखने को मिलेंगे। कुछ ऐसा मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि अभी मेरी क्लास है, 15 तक तो मेरी ही है लगातार, ठीक है। 15 के बाद जो है फिर देखते हैं क्या करना है। इसके बाद 1 अप्रैल से कोशिश है, अब देखिए अभी क्या है कि फैकल्टीज़ की बात हो रही है, फैकल्टीज़ हम बहुत चुनिंदा लोगों को लाना चाहते हैं। चुनिंदा लोग कैसे, पहली बात परिश्रमी हो, टीचरों के साथ बहुत दिक्कत है, टीचर परिश्रमी नहीं होते हैं,
चार दिन काम किया फिर निकल जाते हैं। मुझे चाहिए बड़े परिश्रमी लोग। कई लोगों को मैंने बुलाया इसी कारण वापस कर दे, क्योंकि वो कदम से कदम नहीं मिला पाते। हमें चाहिए कदम ताल वाला आदमी, 24 घंटे मतलब 24 घंटे फिर लगे रहना पड़ेगा, तो उसके सर्च के लिए थोड़ा टाइम लगता है। 1 अप्रैल से हम बड़ा प्रोजेक्ट ला रहे हैं। बड़ा प्रोजेक्ट मतलब वो चीज़ मिलेगी जो कहीं नहीं मिलने वाली। 1 अप्रैल से सारे टीचर आ गए, नहीं आएंगे तो क्रम से आएंगे। हम बिहार PCS, झारखंड PCS, छत्तीसगढ़ PCS, राजस्थान PCS, MP PCS, UP PCS, UPSC मैं खुद लूँगा। हर PCS की अलग अलग फैकल्टी रहेंगे और उन PCS का काम होगा उनके लिए लाइव सेशन करना YouTube पे, बड़े स्तर का, जैसे कि अदर आप देखते हैं बड़े बड़े लाइव संस्थान हैं वो चलाते हैं। एक यूनिक होगा जो कहीं नहीं होगा। और ऑफलाइन वालों के साथ एसोसिएट कर देंगे उनको, हम ग्रुप बना देंगे 10-10 बच्चों का, तो उन टीचर का काम होगा आपकी ख्याल खबर रखना, आपके नोट्स देखना, आपके क्वेश्चन को चेक करना, आपके गार्जियन से संपर्क में रहना और भी जितनी गतिविधियाँ आपकी सारी देखते रहना। समझ रहे हैं? तो ये काम हम बहुत जल्द करने वाले हैं। इसके अलावा आपको शायद 1 अप्रैल को आप लोगों को ऑफलाइन वालों का डैशबोर्ड मिल जाएगा, उसमें आपके टॉपिक अटेंडेंस वगैरह सब चीज़ें हो जाएंगी। आप लोगों को मैं पैनल भी दे दूंगा ताकि जो क्लास छूटती है वो क्लास आप वहाँ से कर सकें। तो आप लोगों के लिए मैं बहुत कुछ सोच रखा हूँ, बस आपके ऊपर है कि आप कितना करना चाहते हो। कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो हम तो चल ही रहे हैं। हमारी रफ्तार वैसे ही है, जब से चलना शुरू किया था तब से रफ्तार बढ़ी ही है, कमज़ोर नहीं हुई है। पहले हम 1 क्लास लिया करते थे, आज हम 3 क्लासेस में भी संतुष्ट नहीं होते, और आप भी नहीं होंगे। जो हमारे बच्चे हैं मुझे इतना क्लियर है वो संतुष्ट नहीं हो सकते। 1 क्लास है उनको लगेगा आज कुछ ही नहीं हुआ, उनको लगेगा बस वही है ना। तो आपको चाहिए अब कम से कम जब 8-9 घंटे आपको पढ़ाते तब आपको लगने लगता है कि हाँ अब ज़्यादा हुआ है, कुछ आदत बन गई है, स्पीड आप लोगों की अब काफ़ी अच्छी हो गई है, सब कुछ ओके है रिपोर्ट। बस ये है कि थोड़ा सा सहयोग कीजिए, मैं कुछ बड़ा करने में लगा हुआ हूँ और जिस दिन वो बड़ा होगा तो फिर मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा एसोसिएट हो पाऊँगा। समझ रहे हैं? है ना। बस आपका काम है जितना चल रहा है उसको क्रमबद्ध रखना, सिस्टमेटिक रखना, कंटिन्यूस रखना, ठीक है। इसी के साथ सेशन को समाप्त करता हूँ। जिसको मुझे पर्सनली मिलना हो मेरे केबिन में आ जाए, वहाँ पे मिल ले। और बाकी एक चीज़ और बता दूँ, एक तो वाशरूम आपका इधर है, एक वाशरूम इधर का।